Yours for class 2 and the subject is English literature chapter 6 life with grandparents. Everybody call me Raja. तो सब मुझे राजा कहते हैं. I live with my grandfather and grandmother. मैं अपने दादा और दादी के साथ रहता हूँ. They were my guardians. उन लोग ही मेरे guardians हैं. My mother. My mother died when I was young. तो मेरी मम्मी का डेथ हो गया था जब मैं यंग था. माई फादर लेफ्ट मी विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स हु बॉट मी अप. तो अब वो किसके साथ रहता है? इसकी मम्मी डेथ हो गई थी जब वो बहुत यंग था, छोटा था. तो अब वो किसके, उसके पापा इसको कहाँ छोड़ के गए? उसके ग्रैंड पेरेंट्स के पास, मतलब कि इसके दादा दादी के पास इसको छोड़ कर गए. वी लिव इन अ लार्ज हाउस. तो हम लोग कहाँ रहते हैं? ये कहाँ रहता है? बहुत बड़ा घर पे रहता है. बट वी वेयर अ स्मॉल फैमिली. दे वेयर ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर अंकल एंड मी. और राजा के साथ कौन रहता है? उसकी दादी दादा और उसके एक अंकल रहते हैं और वो रहता है. वी हैड मैनी रिलेटिव्स बट दे लिव इन देयर ओन हाउसेस. ग्रैंड फादर वॉज अ टॉल स्ट्रॉन्ग मैन. तो इसके बहुत सारे रिश्तेदार हैं पर सब अपने अपने घर पर रहते हैं. तो इसके ग्रैंड फादर बहुत टॉल मतलब कि लंबे है और स्ट्रॉन्ग मैन है. ही न्यू एवरी वन इन आवर विलेज. तो उसके ग्रैंड फादर जो है, उसके दादाजी जो है, वो गांव में सब उनको पहचानते हैं. पीपल रेस्पेक्ट हिम. सब उनका इज्जत करता है. दे केम टू हिम फॉर एडवाइस एंड हेल्प. तो वो सब लोगों को एडवाइस देते हैं और सबका हेल्प करते, मदद करते. ग्रैंड मदर वॉज काइंड एंड जेंटल. तो ग्रैंड मदर जिसकी दादी है, इसका नाम राजा है, राजा की जो दादी है वो बहुत काइंड और जेंटल, वो बहुत अच्छी है. शी टुक केयर गुड केयर ऑफ मी. वो इसका बहुत ध्यान रखती है. शी ऑलवेज फॉलो मी लाइक अ शेडो सेइंग ड्रिंक दिस मिल्क और ईट योर फूड और हैव योर बाथ और गो टू बेड. आई डिड नॉट लाइक दिस बट आई स्टिल लव हर वेरी मच. मतलब कि उसकी जो दादी है वो उसके पीछे पीछे घूमते रहती है. जैसे कि हम लोग बच्चे के पीछे घूमते हैं खाने के लिए पीने के लिए, वैसे इसकी दादी इसके पीछे पीछे घूमती है कि दूध पी लो, खाना खा लो, नहा लो, बेड में जाओ, सोने जाओ. इसको कभी कभी राजा को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो अपनी दादी से बहुत प्यार करता है. माई अंकल वॉज यंग एंड वेरी क्लेवर. तो इसके अंकल जो है वो बहुत यंग है और बहुत क्लेवर, मतलब बहुत चालाक है. ही हेल्प ग्रैंड फादर लुक आफ्टर आवर फील्ड एंड गार्डन. पीपल लाइक हिम एंड आई ऑल्सो लाइक हिम वेरी मच. तो वो इसके अंकल जो है वो उसके दादाजी का बहुत हेल्प करते हैं फील्ड में हेल्प करते हैं, गार्डन्स में हेल्प करते हैं, और लोग उनको पसंद करते हैं इसके अंकल को, और इसको भी बहुत पसंद है इसके अंकल. दो आई डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स टू प्ले विथ द लाइफ विद ग्रैंड फादर वॉज नॉट डल. आई लाइक माई होम एंड द वेरी लार्ज गार्डन अराउंड इट. तो मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मतलब कि राजा का कोई फ्रेंड नहीं है. ये अपने ग्रैंड फादर के साथ रहता है, ग्रैंड मतलब दादा दादी के साथ रहता है, खुश रहता है, और एक बड़ा सा गार्डन है. There were many trees in the garden. तो बहुत सारे trees हैं, जैसे कि coconut tree, mango trees and many other kinds of trees. There were birds, butterflies and honeybees. तो इसके garden में क्या कौन कौन सा tree है? Coconut trees, mango trees है और बहुत सारे trees है, और जहाँ पर birds आती है, butterflies आती है और honeybees भी आती हैं. There were many ponds with plenty of fish in them. तो वहाँ पर एक pond है, जैसा यहाँ देखो, यहाँ पे बहुत सारी फिश है इस पॉन्ड के अंदर. किंग फिशर स्टॉक एंड अदर वाटर बर्ड्स केम टू द पॉन्ड टू कैच द फिश. तो और कौन कौन आता है? किंग फिशर स्टॉक और बहुत सारा वाटर बर्ड्स भी आता है इस पॉन्ड में, सब आते हैं फिश को खाने के लिए. देयर वॉज अ ग्रूफ इन द कॉर्नर ऑफ अवर कंपाउंड. तो वहाँ एक छोटा सा ग्रूफ है, कंपाउंड में एक ग्रूफ बना हुआ है. हेयर ट्रीज शर्ब्स एंड क्रीपर ग्रू वाइल्ड जैकल्स मुंगूस वाइल्ड कैट्स एंड आउल्स लिव इन द ग्रूफ. तो वहाँ ग्रूफ में कौन रहता है? मतलब एक छोटा सा जगह है जहाँ पे कुछ जानवर रहते हैं, जैकल्स मुंगूस एंड वाइल्ड कैट्स वहाँ रहते हैं. वी हैड मैनी काउस बुल्स एंड बुलॉक्स. आई लाइक टू प्ले विद द लिटिल काउस एंड वॉच द बर्ड इन द गार्डन. तो इसके गार्डन में बहुत सारे काउस है, काउस मतलब कि गायें बुल्स, ठीक है, ये सब है जिसके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं काउस के. तो ये खेलता है, राजा उसके साथ खेलता है गार्डन में और बर्ड्स को देखता रहता है गार्डन में. आई लुक फॉर जैकल कमिंग आउट ऑफ द ग्रुप. कभी कभी वो देखता है कि कब जैकल निकलेगा ग्रुप से. आई रन आफ्टर मोंगूस एंड आई कॉट बटरफ्लाइज एंड फ्रॉग. और वो मोंगूस के पीछे पीछे दौड़ता है और बटरफ्लाइज को, मतलब बटरफ्लाइज को कैच करता है, फ्रॉग को कैच करता है.